ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मैं निशांत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मध्य प्रदेश का इंदौर जिला, यहां के एक गांव में इस्लामोफोबिक पोस्टर लगा दिया गया। इस पर विवाद हो गया, हालांकि पुलिस ने सूचना मिलते ही पोस्टर हटवाया और उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जिन्हें अज्ञात कहा जाता है। मामला देदालपुर तहसील के पेमलपुर गांव का है। यहां जो विवादित पोस्टर लगाया गया उसमें लिखा था, मुस्लिम व्यापारियों का गांव में प्रवेश निषेध है। पोस्टर में नीचे जोड़ा गया, आज्ञा से समस्त ग्रामवासी। कहा जा रहा है कि पोस्टर शनिवार 2 मई को लगाया गया, रविवार 3 मई को पुलिस ने इसे हटाया और मामले की जाँच शुरू कर दी। इस मामले पर DIG इंदौर हरि नारायण चारी मिश्रा ने दी ललन टॉप को बताया, कुछ शरारती लोगों की हरकत थी। जैसे ही मामला संज्ञान में आया पोस्टर तत्काल हटवा दिया गया। कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, हालांकि पोस्टर लगाने वालों के नाम नहीं पता चले हैं। मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, क्या ये कृत्य प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील के विरुद्ध नहीं है? क्या ये कृत्य हमारे कानून में दंडनीय अपराध नहीं है? मेरे ये प्रश्न मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और मध्य प्रदेश पुलिस से हैं। समाज में इस प्रकार का विभाजन बिखराव देश हित में नहीं है। इससे पहले MP में धार जिले के बोरूद गांव में भी ऐसा मामला सामने आया था जिसमें मुस्लिमों को लेकर ऐसा पोस्टर लगा था। इसे भी पुलिस ने हटवाया था और स्पष्ट किया था कि ये पोस्टर लॉकडाउन से पहले 17 मार्च का था। दिग्विजय सिंह ने PM मोदी की अपील का जिक्र किया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय ने PM मोदी के हवाले से कहा था, कोरोना वायरस धर्म, नस्ल, जाति, रंग, संप्रदाय, भाषा और सीमाएं नहीं देखता है, इसलिए एकता और भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है। इस लड़ाई में हम एकजुट हैं। PM मोदी ने इसके बाद ट्वीट किया, इस संकट की घड़ी में देशवासी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इसमें समाज के अनेक वर्गों की सकारात्मक भूमिका है। हम कल्पना करें कि हमारे ये छोटे छोटे व्यापारी और दुकानदार खुद के जीवन का रिस्क न लेते और रोजमर्रा की जरूरत का सामान न पहुँचाते तो क्या होता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ललन टॉप का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।